आज कांग्रेस पार्टी जिसने देश के आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, पूरी की पूरी परिवारवादी व्यवस्था में घिर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। मैं बहुत सोच समझ कर स्टेट, ढेर सारे उदाहरण है, मगर ये मेरा मेन विषय नहीं है इसलिए मैं नहीं जाता। समाजवादी आंदोलन को भी जब लोहिया जी ने नारा दिया कि जनता की जितनी संख्या होगी इसके आधार पर, बाहुल्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए, एक नया कंसेप्ट सोशलिस्टों ने लाया, समाजवादियों ने लाया। तो समाजवादी पार्टियों का इतिहास बहुत, मैंने जब उत्तर प्रदेश का मैं इंचार्ज रहा, मैंने बहुत ढंग से स्टडी किया है। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे आफ्टर लोहिया एरा जातिवादी पार्टियों में बदल गई, और जातिवादी पार्टियों से फिर वो परिवारवादी पार्टियों में, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, ये सारी पार्टियां धीरे 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 जातिवादी पार्टियों में बदल गई और परिवारवाद तक पहुंच गई। यहां पर भी जेडीएस, तो ये परिवारवादी व्यवस्था में ही, परिवार में कोई ऐसा सदस्य ही नहीं ढूंढ सकते जो चुनाव नहीं लड़ता है, सबके लिए कॉमन काम है चुनाव लड़ना और कर्नाटक का नेतृत्व करना। मुझे तो आश्चर्य होता है घर कौन चलाता है, मगर ये व्यवस्था हम सबने कभी ना कभी सोचनी पड़ी। मैं इनका विरोध करने नहीं आया, मैं सत्य आपके सामने रखने के लिए आया हूं। और तीसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी के बारे में सोच अकुदरती और संकीर्ण थी, परिश्रम और बुद्धिमत्ता का महत्व ही न हो ये अकुदरती बात है, और संकीर्ण इसलिए है कि इसमें दूसरी कोई व्यवस्था का विचार ही नहीं था। तो दोनों तरीके से धीरे 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 कम्युनिस्ट कालबाह्य हो गए, पूरी दुनिया में से एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गई। और जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से फिर भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत लंबी पेनफुल यात्रा मेरी पार्टी ने की है, परंतु हमने हमारी बेसिक आइडियोलॉजी को पकड़ कर रखा। कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद में ग्रस्त हो गई, मगर हम परिवारवाद में ग्रस्त नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, अध्यक्ष तय होते हैं, अध्यक्ष के पिताजी कभी अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो लोगों में से ही आता है, जो कार्यकर्ता अच्छा परफॉर्म करता है वो ही अध्यक्ष बनता है, और पार्टी अपने तरीके से अच्छे से चल रही है।